ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मैं शहबुद्दीन साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जैसा फरमा भी रहे हैं कि ये निज़ाम बहुत जल्द आने भी वाला है और इससे शायद ये पैरेलल ही हो मुशर्रफ साहब का जो निज़ाम था उसके, या उससे मिलती जुलती कोई शक्ल ये दें, तो इम्पैक्ट इसका क्या होगा, कितनी बेहतरी इसे आ सकेगी और कितना डिलीवर कर सकेगा? उसमें तब्दीली तो ज़रूर होगी। वो इसलिए कि उसके अंदर जो तमाम महकमे थे वो ज़िलाई सतह तक नीचे ला के डी सी ओ के हवाले कर दिए गए थे। अब वो डी सी ओ सिस्टम ख़त्म हो चुका है, डी सी सिस्टम आ गया है जिसके अंदर कमिश्नर भी मौजूद है। अब वो ये चीज़ तो उनको वारा नहीं खाती थी, उन्होंने अलग कर दिया। अब नए सिस्टम में क्या करते हैं अभी तक कहीं पे किसी को कुछ इसके बारे में पता नहीं है। वो उन्होंने इतना सीक्रेट रखा हुआ है अपने तक, ना बाहर बताते हैं कुछ, ना निकाल रहे हैं कुछ। जो इनके मुकाबले जिन्हें नकली साहब वाला सिस्टम था वो जब तैयार हो रहा था तो हमें हर महीने दूसरे महीने एक किताबचा मिला करता था कि इसको पढ़ लीजिए और इस पर फिर राय दीजिए। कुछ लोगों को हमने आया करता था, मैं एज ए सीनियर जर्नलिस्ट मुझे मिलता था वो, मैंने तब पढ़ता रहा साथ साथ, उस पर तबसरा भी किया, उनको भेजा करता था। इस दफा कुछ पता नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला अभी बात हो रही थी, ये जो कंपनियां बन गई जो इख्तियार छिन गए इस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, जो इसकी आमदन का जरिया थे, उसमें इनके पास सबसे बड़ा जरिया था आपकी कमर्शलाइजेशन नक्शा, ये अपना गाय भैंस की अपना नीलामी, मुजब्बा खाना और ये बहुत बेशुमार। अच्छा, फिर आपकी यही जो सफाई जिस पर अभी हड़ताल हुई है, ये 2.25 अरब रुपए में बल्दिया उज़्मा लाहौर के मतहत एक इदारा था WMC, वो करता था बेशक। उसमें भी आके DMG अफसर इंचार्ज लगा करते थे 19-20 के। 2.25 अरब से वो गई है जब से तुर्कियों के पास, वो रकम अब 15 से 16 अरब हो गई है। मुझे बताएं 15-16 अरब में पूरा लाहौर वो नहीं करते हैं, ये भी याद रखिए, वो उनके पास लाहौर का पूरा नहीं है हिस्सा। अच्छा, अब लाहौर में उनका वो वक्त ख़त्म हो रहा है, उन्होंने जाने से पहले ही अपने काम जो है कम कर दिया है। उन पे जो इल्ज़ाम हैं उसमें भी चोरी शामिल थी, उनको सरफ बेचने को दिया गया, फेंकने को, ज़ाया करने को, उन्होंने सरफ बेच दिया। गाड़ियों में कूड़े की जगह पानी आता रहा और पानी का वजन करके उसके पैसे भी लिए जाते रहे, ये भी यहाँ पे हुआ है। और ये कोई सस्ते नहीं है, 1500 रुपये फी टन हुआ करता था कूड़ा। तो ये सारी चीज़ें अब इतना वो पैसा बढ़ा के वहाँ ले गए हैं, यही आप 10 अरब रुपये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को देते कूड़े के लिए। हर साल ही अपनी मशीनें खरीदते, हर साल अपना सामान आता, आज तक पूरा महकमा मुकम्मल तैयार अलग हो जाता, लेकिन अब आपके पास कुछ भी नहीं है और आपने पैसे भी ज़ाया कर दिए। ठीक, मियां तारिक साहब, ये बात ठीक है इसी तरह ही है? और कितना इसमें बेहतरी आ सकती थी? 16 अरब तक ले गए आप? मेरे बुजुर्ग शहबुद्दीन साहब को ये नहीं इलम कि लाहौर पहले छोटा था, उसमें लोगों की तादाद इतनी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। फिर उसके बाद पहले लाहौर में लोग अगर कोई बच्चे को नान लेने रोटी लेने भेजते थे तो वो घर से अपना पोना लेकर जाता था और रोटी उसमें लपेट कर लेकर आता था। अब बच्चा हो गया है, वो कहता है मॉडर्न, वो जाता है सीधा, वो कहता है लफाफा दो, वो प्लास्टिक के लफाफे में रोटियाँ डाल के लेकर आता है। अब वो कूड़ा जो है इसी तरह बढ़ चुका है भाई मेरे। पहले ये सिस्टम कूड़े का होता था कि घर में एक डब्बा होता था जिसमें कूड़े को इकट्ठा करके सुबह उठ के कहीं जाके उसको डाल दिया करते थे। लेकिन अब जो है ना, अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब आप एक एक गली में एक एक ड्रम का कूड़ा जो है वो वहाँ पे पड़ा होता है। तो उसी हिसाब से आपने बंदे भी बढ़ाने थे, मशीनरी भी बढ़ानी थी, टाइम के साथ उनकी तनख्वाहें भी बढ़ानी थी। 2 साल से तो अभी तक मामला उसी तरह चल रहा है। अब वो कंपनियों को, जिस कंपनियों को लेकर आए थे, अगर ये कंपनी अच्छे नहीं है तो फिर कंपनी बदल दें या कंपनी को ख़त्म करके को और सिस्टम आप ले आए। 6 माह से ये कूड़े का मामला डेली का है, ये इसने 6 माह या 1 हफ्ता इंतजार नहीं करना। अगर 1 हफ्ते में आपने कूड़ा अगर नहीं उठाया तो ये लाहौर की तो सारी शक्ल ही गंदी हो जाएगी। तो इसलिए जो फैसला हो चुकी है, बुरा हाल है लाहौर का, जो फैसला करना है ना, जगह जगह ढेर लगे हुए हैं जी, ठीक है, मुझे तो लाहौर कराची लग रहा है जी, ठीक है, वो उसका फैसला जल्दी करना है ना, ये हुकूमत ने करना है। तो ये हुकूमत को जल्दी चाहिए कि इसका फैसला करके
इसमें कोई अगर जो भी करना चाहते हैं वो कंपनी खत्म कर दें, उनका ठेका खत्म कर दें, या उन ठेकेदारों को उनके पैसे दे दें ताकि उनको उनका चेक कर दें। अब इनका पहले चेक करते थे हम, चेयरमैन चेक करते थे, उससे बेहतरी थी। अब कोई चेयरमैन चेक नहीं करता था, बिल्कुल गलत बात है। जब से ये आप लोग आए तो हर बात कीड़े निकालने आप हर बात आप लोगों को एक स्वीपर नहीं मिला। ये अभी पूछ गलत बात है, ये बिल्कुल ये बैठे हुए हैं साथ, क्या ये अपने अपने स्वीपरों को बुलाकर दाया नहीं देते थे? वो कहते हमारे कर्मचारी नहीं बुलाते थे, कंपनी के जिम्मे में यार कंपनी करना था। लेकिन उसके बाद इस इशू के ऊपर हर इजलास में लड़ाई होती है वहाँ पे। कंपनी आपके पास नहीं है ना भाई, कंपनी का काम कंपनी ने करना था। लेकिन इलाके में जिस इलाके में मैं चेयरमैन हूँ, मैं तो अपने जैनो को बुलाकर रोजाना सफाई चेक करता था। ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैं वहां पर नुमाइंदा हूं, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैंने वोट लिए हैं। अब शहबुद्दीन साहब को मैं कैसे पढ़ाऊं? हूं मेनू लगता है मैं तो पता है असेंबली के इजलास में आप सारी चीखें मार रहे होते हैं यार। वो असेंबली में तो ये LWMC हमारे मुतहद है ही नहीं ना, तो फिर आपको अपने इलाके में बात सुन लेना। फिर आप बात सुन ले, बात सुन लेना। अपने इलाके में जहां पर मैं चेयरमैन हूं, फीर सदीकी चेयरमैन है, हमें किसी ने नहीं मना किया कि आप इनको चेक ना करें। मतहद आपके वो है नहीं, फिर वही आप जाके चेक कर रहे हैं। यार जरूरी बात है कि मेरे इलाके का एक आम आदमी आ जाता है, वो कहता मेरा नहीं है वो। तो भाई मेरे बात सुन ले, मेरे इलाके से कोई आम आदमी आ जाता है, वो मुझे आगे कहता है कि मेरे इलाके का स्वीपर जो है वो ठीक काम नहीं करता, इसको चेंज कराओ। मैं जेडो को फोन करता हूँ, जेडो से मैं कहता हूँ उसकी शिकायत दूर करो भी जाकर। जेडो से ज्यादा कौन सी बात, जेडो से ज्यादा आपने जिन्हें काम करने नहीं है आदमी है। और भाई मेरे जिन्होंने काम नहीं करना वो आपकी तरह बातें करते हैं। टीएमओ नहीं है जेडो है, और जिन्होंने नहीं काम नहीं है, जिन्होंने काम नहीं करना, जिन्होंने काम नहीं करना वो आपकी तरह बातें करते हैं। मैं ये समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है मेरे मुतहद है या नहीं है, मैं उसको चेक करता हूँ। यहाँ बैठ के तो सच बोलो यार, खुदा मैं सच बोलता हूँ, मेरे इलाके में आगे और भाई चेक कर लो आप। मानता ही नहीं, नाम नाम है ही नहीं सच। आप बुजुर्ग है, मैंने आपको आपकी बात ही नहीं मानती है, और मैंने नहीं आपको मनाना। जो ईस्ट इंडिया कंपनियां बनाई थी इन्होंने, सारी जो करप्शन की नजर हो चुकी है, कर लेने दो पहले दिन जिस दिन आए थे कंपनियां खत्म कर देनी थी। बात तो करने दे, पानी पियो ठंडा, मैं पीने लगा। जितनी करप्शन ज्यादा सिस्टम है इसमें आप फर्क ये देख लें, उस वक्त जितने ये बेख्तियार थे मियां मोहम्मद तारिक साहब अपने बाकी साथियों के साथ माल रोड पर इत्तेजाज करते पाए गए, उस वक्त की पंजाब हुकूमत के खिलाफ कि इनको इख्तियार दिया जाए, चलें वो खत्म हो गई बात। अब जो हिस्सा मैं आपसे आपके सामने अर्ज करता हूँ, 10 साल से ये यहाँ पर मुसल्लत थे। अब कंपेरिजन करें माल्टन सोसाइटी, बाकी प्राइवेट सोसाइटीज और DHA के ऊपर, वहां पे इतना पैसा जाया नहीं किया जाता, इतना पैसा खर्च नहीं किया जाता जो इन्होंने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाकर जो 16 से 20 अरब रुपए सालाना उसके ऊपर खर्च किया, जो तमाम तर मैं समझता हूं 75% करप्शन की नजर हुआ है, और ये सारे जिम्मेदार हैं। इनको इनको अब लाहौर की आवाम से माफी मांगनी चाहिए जी, इनको लाहौर की आवाम से माफी मांगनी चाहिए कि हमारी नाअहली थी या करप्शन की उसमें थी, और इनमें इनके साथियों के पेट भरे गए हैं, और ये लाहौर की आवाम को सजा मिल रही है। अब जो वादे हुए हैं, जो एग्रीमेंट हुए हैं स्टेट के साथ, वो खत्म होंगे क्योंकि वो तुर्की की कंपनी थी। जब उनका एग्रीमेंट खत्म होगा तो नए सिरे से जब होंगे तो आवाम को एकदम दिन और रात की तरह का फर्क नजर आएगा। फिर करप्शन नहीं होगी, फिर पानी का टैंकर उसके कचरे की जगह पे नहीं बिकेगा, और लोगों का कूड़ा जो है उठाया जाएगा, और अवामी नुमाइंदे जिम्मेदार होंगे। इस वक्त कंपनियां जिम्मेदार थी जिनका दूर दूर तक किसी डिप्टी मेयर या मेयर बाइख्तियार नहीं था जिसका। जी मियां तारिक साहब, ये ठीक बात कह रहे हैं, 75% वो कहते हैं। आज जो फरमा रहे हैं ना कि जी मॉडल टाउन में एक कनाल की, दो कनाल की, चार कनाल की कोठिया था, तम्बल से सुन ले मेरी बात, इनको शायद इन चीजों का इल्म नहीं होता, ये इल्जाम ही लगाते हैं। बात ये है कि इतने इतने बड़े और हमारे बोलता तो आपको परेशानी होती है, मेरे सारी प्राइवेट सोसाइटीज बनी है वहाँ पे कूड़े के ढेर क्यों लगे? वहाँ पे आपको करप्शन करने नहीं दी किसी ने, और मेरी बात सुन लो फिर। जी जी मियां साहब, फिर मैं आप बोलते हैं, मैं मान लो लाहौर के वहां सारा पता है, बात सुन लेना, मामला सारा खत्म हो गया, आप अपनी बात रात खत्म हो गई है, अब सुबह
चलो जेड़ी जेड़ा दिन जा रहा है जेड़ा दिन ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਇਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਜੋ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਥੇ ਦਾ ਝੁਮਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਝੁਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਝੁਮਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਮੋਦੀ ਕੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਣੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ये जिस सोसाइटियों की बात करते हैं ना वहां पे एक सिस्टम है यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं जो कॉलोनी है यही तो बात तो सुनो ये पाकिस्तान बनन तो गल है ये छोटे छोटे घर है आपने 10 साल में क्या छोटे छोटे घर है तो ऐसी ढा के नवे बनाते नहीं आपने करप्शन फिर वो बात सुना मेरी बात सुननी है यार तो तीन तीन मरले के घर है वहां पे कूड़ा क्यों नहीं पड़ा भाई मेरे बात ये है एक सिस्टम है ना वहां पे हमारा एक बच्चे गिर के हमारा हमारी एक गली इधर जा रही है दो गलियां इधर जा रही है चार गलियां इधर जा रही है और एक 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 कनाल में आठ आठ घर है और आठ आठ घर में 20-20 लोग हैं तो उनका कूड़ा भी इतना ही होगा तो इसलिए 30 साल कूड़ा ठीक करना था कूड़े की ज्यादती की वजह से मेरे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये कंपनी बनाई और फिर उस कंपनी से लाहौर को साफ किया और अब आपने 6 माह में इतना गंद डाल दिया कि वो लोग जो है आज लोग हमें कहते हैं कि यार बात ये है एक गलती हमसे हो गई है अब किस तरह इसकी माफी होगी मैंने कहा वो जो ये झूमर वाले हैं ना इनके पीछे ढोल लगाओ दो दो साथ में छंझने बजाओ और इनका मातम करो ढोल के साथ कि ये कौन सा इन्होंने निजाम लेकर आ गया 30 साल में आप लाहौर को ठीक नहीं कर सके 3 साल तो सबर कर लें अब फिक्र ना करो तो तीन की तो मनु लगता है नहीं तो ये ठीक आर्गुमेंट नहीं है मेरे तारिक साहब कहते 3 साल तो दे हमें 30 साल ने आपने तबाही की है एक सिस्टम एक इतना मैं कहते हुए अच्छा लगता है इतनी करप्शन इतनी रच बस गई है सिस्टम में उसको ठीक करते हुए उस करप्शन आगे जो कौन भी बात हो भाई जो नहीं कहते वो भी कह लो तुहाडे कोल है जी कहन एक गल के वो पुराना एक दूसरी बात वो जी 6 माह तो भी हुए हैं ते मेरा मकसद है कि जिन्होंने काम करना होता है और जिन्होंने काम करना होता है वो भाई जी वो इको दिन ही पता लग जाता है जो काम करने वाले ने खुदा दा वास है जे खराब ना करो नहीं चलता तो किसी सियाने ना मशवरा कर लो आप उम्र के जिस हिस्से में अभी तो सच बोलना और किसी सियाने ना मशवरा कर लो मैं झूठा तुहानू पे करना किस चीज हर गल लीडर झूठ ते भी NRO कर लेना सी NRO किया जे कि नहीं ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਜੀ ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ 30 ਸਾਲ ਮੇ ਜੋ ਐਵੀ ਐਨਆਰਓ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਮੇ ਜੋ ਆਪਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੜਾ ਬੜਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਤਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲੈਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥੀ